हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस एंड टेक मेनिया। कैसे हो आप सब? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9th, इंडिया साइज एंड लोकेशन। सो गाइस, इसमें आप देखिए, वीडियो को हम 2 या 3 पार्ट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर को। सो अब ये क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ साइंस, दैट्स व्हाई आई एम इंक्लूडिंग दिस इन माय चैनल जिसका नाम है साइंस एंड टेक मेनिया। तो साइंस ज्योग्राफी इट्सेल्फ साइंस है, विदाउट साइंस इसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसमें सारे पैरामीटर्स साइंस के ही लगते हैं। तो फटाफट से पेंसिल पेन पकड़िए या फिर एनसीईआरटी बुक पकड़िए, जो जो चीज़ें मैं बोलती जा रही हूँ उन्हें आप एनसीईआरटी में ही हाईलाइट करते रहिए, तो वो आपके पॉइंट्स बन जाएंगे और इससे आपकी एनसीईआरटी पढ़ने की हैबिट भी बनेगी। सो इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब देखिए, इंडिया क्या है, एंशियंट सिविलाइजेशन है जिसे आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। इंडिया सबसे पुरानी सभ्यता है, मतलब वन ऑफ दी सबसे पुरानी सभ्यता हमारी यानी सिविलाइजेशन वर्ल्ड की, ठीक है। अब जैसे जैसे हम अपनी हर फील्ड में आगे बढ़ते गए, तो हमने उसके बाद हमने सोचा, जैसे जैसे हमने साइंस और हमने अपनी टेक्नोलॉजी को थोड़ा थोड़ा डेवलप किया, हमने बोला क्यों ना हम अपनी अर्थ को स्टडी करें, ठीक है। तो इसके लिए हमने बहुत सारे फिगर्स इकट्ठा किया। अब किसी चीज़ की आप स्टडी करने जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, पहले हमारी धरती कैसे रही हुई होगी, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ होगा, कॉन्टिनेंट्स कैसे सेपरेट हुए होंगे, झरने कैसे बने होंगे, वॉल्केनो क्यों बनते हैं, नदियाँ कैसे बनती हैं, दरारें कैसे आती हैं, अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं। तो इन सब की स्टडी हम करने लगे। अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से हट के सिर्फ इंडिया के ऊपर फोकस करेंगे कि इंडिया वर्ल्ड में कहाँ है, कैसा है, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा प्यारा भारत यानी हमारा इंडिया, दैट इज़ इन येलो कलर, चमकता हुआ बिल्कुल सबसे अलग, ठीक है। तो इंडिया हमारा कहाँ पड़ता है, देखिए, तो इंडिया बेसिकली इज़ इन योर, किधर है बताइए, देखिए, ये देखिए, आप सबसे पहले ना अर्थ को समझिए। अगर मैं अर्थ को देखूँ तो देखिए, ये जो बीच में सेंटर में हॉरिजॉन्टल लाइन काट रही है, दैट इज़ 0 डिग्री, इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर जो भी चीज़ होगी दैट इज़ कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड इक्वेटर से नीचे जो भी चीज़ होगी दैट इज़ कैसा आपका, सदर्न हेमिस्फेयर, लाइक दिस। इधर मैं ऊपर को जाऊँगी तो दैट इज़ मेरा, एक सेकेंड, ये ले लेते हैं, तो दैट इज़ मेरा क्या होगा, नॉर्थ हेमिस्फेयर, कौन सा, नॉर्थ, ठीक है। और इक्वेटर से अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो दैट इज़ मेरा सदर्न हेमिस्फेयर, राइट। अब इंडिया मेरा कहाँ पर को है, देखिए, इंडिया है मेरा इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और इंडिया को भी एक जो लाइन बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज़ ये यहाँ पे, इसके हम कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये लाइन इंडिया को बराबर पार्ट्स में क्या कर लेती है, डिवाइड कर लेती है। और ये कितने स्टेट्स से होके गुजरती हैं हम वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए, आप सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोकेशन, ठीक है, आप अपना हाईलाइटर लेके बैठ सकते हैं। लोकेशन इंडिया की कहाँ है, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, मैंने बताया था कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 degree 4 minutes, देखिए डिग्री के बाद ये 4 के बाद जो डॉट करा है दैट इज़ मिनट्स बोलते हैं, यानी 8 degree 4 minutes नॉर्थ में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ लीजिए उससे पहले आप, वरना आप खाली कन्फ्यूज रहेंगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ हॉरिजॉन्टल है ये सारे हैं लैटिट्यूड्स, समझ आ गई, और ये सारे हैं आपके लॉन्गिट्यूड्स, इस तरीके से ये आपके क्या हैं, लॉन्गिट्यूड्स, यानी वर्टिकल में लॉन्गिट्यूड्स और हॉरिजॉन्टल में लैटिट्यूड्स, राइट। तो इंडिया जो लाई करता है लैटिट्यूड, यानी अगर मैं उसकी हॉरिजॉन्टल बेसिस पर अगर मैं बोलूँ तो वो 8 degree 4 minute नॉर्थ से 37 degree 6 minute नॉर्थ के बीच है। देखिए यहाँ की बात हो रही है, ये इंडिया है अगर आपका, ठीक है, तो ये ऐसे में, एक सेकेंड, ओ नो नो नो, हो नहीं रहा एक्चुअली ये, अब होगा, इसको हम ले जाएं तो ये देखिए, अगर मैं इस तरीके से बोलूं तो ये मेरा 8 degree नॉर्थ से लेके जितना मैंने आपको बताया इन दोनों के बीच लैटिट्यूडली ये क्या करता है, लाई करता है, और लॉन्गिट्यूडनली ये इतने के बीच लाई करता है। तो जब मैं लैटिट्यूड वाले कोऑर्डिनेट्स बोलूँगी तो इन दोनों की बात होगी, और जब मैं लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स की बात करूँगी तो इन दोनों की बात होगी, ठीक है। तो इंडिया मेरा इसी पार्ट में तो लाई कर रहा है,
तो वो आपसे बोल रहा है जो लेटिट्यूड है वो 8 degree 4 minute नॉर्थ से लेके 37 degree 6 minute नॉर्थ के बीच है, जबकि जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 degree 7 minute ईस्ट, 68 degree 7 minute ईस्ट, यानी ये यहाँ से लेके कितना बोलता है देखते हैं, 97 degree 25 minute ईस्ट, ठीक है, इसमें लाई करता है। अब आप तो बोलेंगे दी ठीक है हमें समझ आता है, इधर साइड तो आपका ईस्ट कोऑर्डिनेट है हम समझते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, ये तो आपका वेस्ट आ गया ना, अगर ये ईस्ट है तो ये डेफिनेटली वेस्ट होगा। देखिए इंडिया के रेस्पेक्ट में ये वेस्ट है, लेकिन जब हम अर्थ के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये पूरा रीजन कैसा है, ईस्ट की तरफ है, फिर इंडिया को होल एज ईस्ट माना जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ में है और ईस्ट में है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, बताइए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो कितना होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से कहाँ तक है, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका 23 degree 30 minute नॉर्थ, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैं लाइन बना देती हूँ, 23 degree 30 minute नॉर्थ, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कंट्री को बराबर तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड कर देता है, ठीक है, ऑलमोस्ट दो पार्ट्स में ये डिवाइड कर देगा, ऐसे भी आप अंडरलाइन करेंगे। एंड इसके जो आपके कुछ आइलैंड्स हैं दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स, तो देख लेते हैं। देखिए अगर मैं सिर्फ इंडिया के फिगर पर जाऊँ, एक सेकेंड यहाँ होगा इंडिया का फिगर, ये देखिए, तो जो बे ऑफ बंगाल है, आप इंडिया देख लीजिए एक बार, दिस इज़ योर इंडिया, और आप NCERT पेज नंबर खोल सकते हैं, आई थिंक पेज नंबर पढ़ा है, पेज नंबर आई थिंक ये होगा 3, ठीक है, पेज नंबर 3 है। तो आप इसमें देखिए, अगर मैं इंडिया के मैप को देखूं, तो इसमें आपकी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। देखिए ये देख रहे हैं आप, जिसे 24 degree ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा हुआ है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 23 degree 30 minute ईस्ट है, ठीक है, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया को ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि इंडिया लैटिट्यूडनली कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो यहाँ दिख रहा है कितना, 68 degree 7 minutes, कहाँ से कहाँ तक बोलेंगे हम, बोलेंगे 68 degree 7 minute से लेके 97 degree 25 minute ईस्ट तक, यही तो हुआ है लेटिट्यूडनली। और मैं अगर लॉन्गिट्यूडनली बोलूँ तो ये रहा 37 degree 6 minute नॉर्थ से लेके, साउथ मत लिख देना हाँ इसे दिमाग लगा के, 8 degree 4 minute नॉर्थ तक, ये रहा, या आप बोल सकते हैं 8 degree 4 minute नॉर्थ से लेके 37 degree 6 minute नॉर्थ तक, ये क्या करता है, लाई करता है। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, आप अपने बुक कॉपी में इसका फिगर भी बना सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बोलूँगी इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन कहाँ से जाती है, अब देखिए स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन वो लाइन होती है जिससे हम अपना टाइम देखते हैं कि हमारी कंट्री का टाइम कितना है, तो ये है 82 degree and 30 minutes, ये देखिए इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, इसी के वजह से हमारा क्या होता है, हम अपने वहाँ का टाइम कैलकुलेट करते हैं इस लाइन को बेस बनाकर। जैसे आपका ग्रीनविच मीन टाइम को हम जीरो मान के चलते हैं, जीरो मान के चलते हैं ना, वहाँ से टाइम शुरू होता है। अब जैसे जहाँ लंदन है 0 degree ग्रीनविच मीन टाइम, वहाँ से जब हम ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो टाइम बढ़ता है, ठीक है, और वहाँ से अगर वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो टाइम पीछे को जाता है, ये हमने सेट करके रखा है ताकि हमारी स्टडी करने में हमें आसान हो। तो अगर आपसे बोलेंगे इंडिया का जो स्टैंडर्ड मरीडियन टाइम है, स्टैंडर्ड मीन टाइम, वो कितना है, तो दैट इज़ योर 82 degree 30 minutes, और वो भी क्या, ईस्ट, ठीक है, क्योंकि हम कहाँ लाई करते हैं, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हम ईस्ट में लाई करते हैं, ठीक है, ये देखिए। और ये अगर पूछेंगे कि ये कहाँ पे इसका हमें सेंटर मिलता है, तो अलाहाबाद में एक जगह है नैनी, वहाँ पे हमें इसका क्या मिलता है, सेंटर मिलता है, ठीक है। अब मैंने आपको नॉर्थ वाले कोऑर्डिनेट्स बता दिए और ईस्ट वाले कोऑर्डिनेट्स बता दिए और SMT भी बता दिया। अब ईस्ट में अगर मेन लैंड की बात करूँ, मतलब अगर लॉन्गिट्यूडनली, तो हमारा जो मेन लैंड है दैट इज़ 2933 किलोमीटर्स। अगर आपने इस डायग्राम को एक बार रट लिया ना, तो आप
फिर इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उन्हें नहीं भूलोगे भूलोगे ठीक है। तो 2933 किलोमीटर्स आपका कहाँ है, लैटिट्यूडनली है इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे आपका वो भी दिया होगा, हाँ ये रहा देखिए लॉन्गिट्यूडनली, ये क्या है 3214 किलोमीटर्स। अब जो ये 3214 किलोमीटर है इसमें आपका आइलैंड इंक्लूड नहीं है, ठीक है, आइलैंड इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पे एंड कर दे रहा है 3214, ठीक है। अब आपके आइलैंड्स के बारे में देखते हैं, पहले इंडिया, देखिए ये आपका क्या है, इस साइड हमारे क्या है पाकिस्तान, इधर चाइना, इधर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये हमारे क्या हैं सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे अफ़गानिस्तान दिखाया नहीं है पर उसका बहुत थोड़ा सा रीजन लगता है। नाउ दिस इज़ योर श्रीलंका, ठीक है। अब देखिए हमारे जो, अगर मैं बोलूँ तो राइट हैंड साइड में है हमारा बे ऑफ बंगाल, जिसे हम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। तो बे ऑफ बंगाल, इसमें हमें आइलैंड्स के ग्रुप मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। आपको जान के बहुत हैरानी होगी लेकिन जो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं ये हिमालय के ही पार्ट्स हैं, पता है आपको। तो ये हैं आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक हो गया। ये कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में। अगर आपको इसे याद रखना है तो मैं इसके लिए ट्रिक बता देती हूँ आपको, कैसे याद रहेगा कि बे ऑफ बंगाल में कौन से वाले हैं। तो आप याद रखिए BAN, बैन, हम बोलते हैं मूवी बैन हो गई, उसी तरीके से बैन। तो बैन से आपको क्या याद रहेगा, बी से बे ऑफ बंगाल, ए से अंडमान, एन से निकोबार, तो बैन। तो यानी बे ऑफ बंगाल में कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। अप टू नेक्स्ट आपके लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम बोलते हैं अरेबियन सी। अरेबियन सी में जो आपके आइलैंड्स पाए जाते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स पाए जाते हैं। इसकी ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं, अल्लाह, ठीक है, अल्लाह से याद रख सकते हैं। ए से अरेबियन हो जाएगा और एल से क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। तो इस तरीके से आपकी जो इच्छा है वो ट्रिक आप बना के लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इस डायग्राम को अगर एक दो बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको ये फैक्ट्स एंड फिगर याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी में पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है आप मैप्स देखिए और मैप्स के अकॉर्डिंग रीडिंग करिए बार बार आप, क्योंकि आपसे अगर मैप फिलिंग आ गई तो पूछेंगे सराउंडिंग नेशंस भरिए, सराउंडिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं वो भरिए, तो आप इससे देख के भर सकते हैं, ठीक है, समझ आए आपको। अब उसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक, देख लेते हैं क्या है, शायद वही होगा जो मैंने पढ़ाया, देखिए हाँ। अब वापस से हाईलाइटर लीजिए और इसको अंडरलाइन करिए। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तो आप इसे अंडरलाइन करिए। और इंडिया, अगर मैं बोलूँ वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में हमारा इंडिया कितना परसेंट है, तो हमारा इंडिया है 2.4% वर्ल्ड की पॉपुलेशन का, 2.4% है, समझ गए। अब आपका अगला है अब ये भी काम का नहीं है इतना, हाँ ये देखिए। अब क्या होता है जब भी हम, आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश में सूरत सबसे पहले आ जाता है क्योंकि वो कहाँ है, ईस्ट में है। कहाँ गया हमारा डायग्राम, देखिए ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, इधर वाला रीजन, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अब इधर तो सूरज पहले आ जाएगा और इधर देखिए आपका गुजरात, यहाँ सूरज क्या होगा देर से पहुँचेगा क्योंकि वेस्ट है। तो यहाँ पर को क्या होता है आपका, अगर सूरज को, सूरज अगर यहाँ निकला है माना आपका 5 बजे, तो गुजरात पहुँचते पहुँचते सूरज को लग जाएंगे 2 घंटे, यानी 5 से 2 7, यानी 7 बजे सुबह सूरज गुजरात पहुँचेगा, समझ आई बात। तो 2 घंटे का गैप होता है, अगर पूछे अरुणाचल टू गुजरात में कितना टाइम लैग होता है, मतलब टाइम कितना अंतर आता है सूरज के आने में, तो दैट इज़ 2 घंटे। और रात में भी वही है, अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले रात हो जाएगी, यानी आपका 5 बजे अंधेरा हो जाएगा, तो गुजरात में 7 बजे अंधेरा होगा, समझ आए। अब क्या है इसके बाद, अब मैं अगर आपको बताऊं, देखो अगर मैं आपसे बोलूं गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश में टाइम डिफरेंस कितना आ रहा था, 2 घंटे का आ रहा था, है ना, लेकिन
जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी में बराबर समय में रात होगी, समझ रहे हो, ध्यान से सुनना, मैं बोल रही हूँ, गुजरात गुजरात और आपका अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों में जो रात और दिन होने का अंतर होगा वो दो दो घंटे का होगा, है ना। लेकिन मैं बोल रही हूँ जम्मू कश्मीर और नीचे इधर आपका कौन सा है, ये दिस क्या आपका साउथ में कौन सा है, कन्याकुमारी, यहाँ पे आपका सेम टाइम पे दिन और रात होंगे। क्यों? क्योंकि जो दिन और रात है वो लैटिट्यूड के हिसाब से यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से अफेक्ट करते हैं, ना कि वर्टिकल में। तो यानी जितना वर्टिकल एक्सटेंट किसी कंट्री का ज़्यादा होगा उसके टाइम में उतना कम वेरिएशन आएगा, और हमारा जो एरिया है वो जितना ज़्यादा चौड़ा होगा तो हमारे उसमें उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, टाइम गैप आएगा। जैसे चाइना है वो चौड़ाई में बड़ा है तो उसमें टाइम गैप भी उतना ही ज़्यादा होगा, उनके वहाँ समय का अंतर भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, समझ आई ये बात। तो अगर आपसे पूछेंगे कि टाइम का वेरिएशन किसकी वजह से आता है, लैटिट्यूड की वजह से कि लॉन्गिट्यूड की वजह से, तो आपको लिखना है टाइम का वेरिएशन आता है लैटिट्यूड की वजह से। अब मैं क्या पढ़ते हैं अपन, हाँ ये देखते हैं इंडिया में। देखिए इंडिया दो तरफ से, सॉरी इंडिया तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है, आपका ओशियन से घिरा हुआ है। देखिए एक इस साइड से अरेबियन सी से, और इधर से आपका इंडियन ओशियन से, और इधर से बे ऑफ बंगाल से, है ना। इधर साइड राइट में बे ऑफ बंगाल, लेफ्ट में अरेबियन सी, और बॉटम में इंडियन ओशियन। देखिए इंडियन ओशियन बॉटम में है, लेफ्ट में आपका अरेबियन सी है, और राइट में आपका बे ऑफ बंगाल है। अब आपका जो ये है इंडिया, ये तो तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, एक तरफ से आपका हिमालय की कवरिंग है ना। तो एक तरफ आपकी हिमालय कवरिंग है पूरी, इधर से ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन लेके नेपाल वाला भूटान पूरा अरुणाचल प्रदेश तक, ये आपकी कौन सी है, हिमालयन रेंज है। और उसके बाद जो ये वेस्ट वाला पोर्शन है इधर आपका क्या है, सारा डेजर्ट है, ठीक है। तो इंडिया को अगर डिस्क्राइब करने के लिए बोलेंगे कैसा कैसा है इंडिया का ज्योग्राफिकल लैंड, तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा, ठीक है। और इंडियन ओशन इकलौती ऐसी ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक है, इंडिया के नाम पे। और इस पूरे जो समुद्र के किनारे किनारे रेखा बनती जा रही है इसको हम बोलते हैं कोस्ट लाइन, यानी इंडिया की तट रेखा, कोस्ट लाइन, जो समुद्र को छूते हुए लैंड की लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोस्ट लाइन। अब इंडिया को कैसे, हम इंडिया की इम्पोर्टेंस क्या है वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में ट्रांसपोर्टेशन और आपका बिजनेस के उस पर। तो देखिए इंडिया हमेशा ही बहुत बड़ा हब रहा हुआ है किसका, टूर्स एंड ट्रैवल्स का। हमारे वहाँ से बहुत सारे क्या रहते हैं, लिंक्स रहते हैं वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एंशियंट टाइम का सिल्क रूट आपको पता होगा, और उसी तरीके से यहाँ आपको रूट्स दिखाए गए हैं जो इंडिया में आते हैं और किस तरीके से वेरियस कंट्रीज़ की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ आर रूट्स, ठीक है। अब इंडिया के नेबर्स कौन कौन से है सुनना। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, ठीक है। इसके स्टेट्स अब आपको चेंज हो गए हैं, 28 तो रहे नहीं स्टेट्स, ठीक है, आपके चेंज हो चुके हैं, और यूटीज़ भी चेंज हो चुकी हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी कितने स्टेट्स और कितने यूटीज़ हैं, ठीक है, वहाँ से देख लेना। अब आपके जब मैं बोलूं कि कितने स्टेट्स हैं तो हम बोलेंगे पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। तो ये क्या है, ये हमारे क्या हैं, नेबर्स हैं, और इसमें ये नेबर्स कौन से नेबर्स हैं जो हमसे डायरेक्टली टच हैं, ठीक है। लेकिन जो श्रीलंका है वो हमारी मेन लैंड बाउंड्री से छुआ हुआ नहीं है, जैसे श्रीलंका हमारा नेबर है लेकिन हमारी बाउंड्री को टच नहीं करता है। मैं दिखा देती हूँ एक बार फिर से डायग्राम, देखिए ये रहा पाकिस्तान, हमारा जम्मू कश्मीर राजस्थान गुजरात वाले रीजन से टच करता है। चाइना हमारा उत्तराखंड जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश इन बाउंड्री से टच करता है। इस तरह से बांग्लादेश हमारा बंगाल असम वाला रीजन टच करता है, नेपाल भी हमारा ये वाला रीजन टच करता है, म्यांमार भी लैंड रीजन टच करता है, लेकिन श्रीलंका लैंड रीजन को हमारा टच नहीं करता है, ठीक है। तो अब यही बता रहा था ये आपको कि किस तरीके से हमने इन्हें क्लासीफाई किया है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे और कौन से हैं, देखिए पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये हमारे क्या हैं,
कंट्रीज़ हैं जो हमारे नेबरहुड में पड़ते हैं, तो आपको डायरेक्शन के हिसाब से इन्हें बताना है। अगर मैं डायरेक्शन के हिसाब से बोलना शुरू करूँ तो ये किस तरीके से पढ़ते हैं देख लो एक बारी। देखिए हम ऐसे बोल सकते हैं, हमारे नॉर्थ और वेस्ट में कौन है? पाकिस्तान। ठीक है, हमारा नॉर्थ ईस्ट में कौन से हैं? देखिए भूटान है हमारा नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए इंडिया शेयर्स इट लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। चाइना, नेपाल एंड भूटान इन नॉर्थ, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन ईस्ट। ये सबको आपको अंडरलाइन करना है। एंड सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी टू आइलैंड्स कंसिस्टेंटली नेमली, इनके नाम क्या क्या हैं? दैट इज़ श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये रहा मालदीव्स, ये हमारी नेबर्स हैं लेकिन हमारी मेन बाउंड्री को टच नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे दो नेबर कंट्रीज़ बताइए जो हमारी मेन लैंड को टच नहीं करते हैं, दैट इज़ आवर मालदीव्स एंड श्रीलंका। देखिए मालदीव्स भी टच नहीं कर रहा है हमारी मेन लैंड को और श्रीलंका भी टच नहीं कर रहा है। ठीक है, श्रीलंका इंडिया से एक नैरो लाइन से सेपरेट है जिसे बोलते हैं हम पाक स्ट्रेट। इसे याद रखना, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ये रहा, इधर देखना, मैं डायग्राम फोकस करती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा इंडिया का स्टेट तमिलनाडु, और तमिलनाडु और ये रहा श्रीलंका। इस तो इन दोनों के बीच जो ये लाइन सी दिख रही है आपको, दैट इज़ कॉल्ड योर पाक स्ट्रेट। ठीक है, ये लाइन ही आपकी क्या है? पाक स्ट्रेट है। जबकि जो आपका इन दोनों के बीच पड़ने वाली जो खाड़ी है उसे हम क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार। तो आपसे पूछेंगे कि इंडिया और श्रीलंका सेपरेट किससे है, तो पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से। समझ आती है बात? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। श्रीलंका इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय द पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, वाइल मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। और जबकि अगर आपसे पूछेंगे मालदीव्स कहाँ हैं, तो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में हमें क्या मिल जाता है? मालदीव्स। ठीक है, इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ हर नेबर्स। इंडिया अपने आप में बहुत, इंडिया के जो लिंक्स हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। क्यों? हिस्ट्री के भी वजह से और हमारी अभी की करंट जियोग्राफिकल उस नोट की वजह से भी। ठीक है, अब देखिए इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। चूज़ द राइट आंसर फ्रॉम फोर अल्टरनेटिव। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू ओ। तो आपको अगर आप मुझसे मैं पूछूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस से पास करती है, पहले तो वो पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ध्यान से देखना, ये आपका मैप फिलिंग में आ सकता है। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पहला स्टेट जिससे वो पास कर रही है गुजरात, फिर आपका है मध्य प्रदेश, फिर देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और उसके बाद आपका आता है त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ठीक है, तो आप क्या ट्रिक बना सकते हैं? गमछा विथ, क्यों, हाँ गमछा विथ टाइम बना लेते हैं। ठीक है, हम बोल लेते हैं गमछा विथ टाइम। तो जी से हो गया गुजरात, एम गमछा ना, तो एम से हो गया मध्य प्रदेश, सी से हो गया छत्तीसगढ़, छा मतलब छा झा नाम आ रहा ना, तो जे से हो गया झारखंड, डब्ल्यू से हो गया वेस्ट बंगाल, टी से त्रिपुरा, टाइम में होता है टी से त्रिपुरा, एम से मिज़ोरम। तो ये सेवन स्टेट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेट्स इंडिया के जिनसे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, ये स्टेट्स हैं जिनसे आपकी कौन गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा। तो बताइए किससे पास नहीं होती है? अभी देखिए हमने बनाया था यहाँ पे, क्या राजस्थान से पास हो रही है? यस, हो रही है, आर राजस्थान से पास हो रही है। सॉरी, ट्रिक में तो राजस्थान आया नहीं, चलो अपने हिसाब से ट्रिक बना लेना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम, लेकिन उड़ीसा, देखिए उड़ीसा ये रहा, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है? नहीं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डू नॉट पास थ्रू कौन सा स्टेट? दैट इज़ आर उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज़, ईस्ट में कौन सा लॉन्गिट्यूड है इंडिया का, देख लेते हैं, हमने यहाँ पढ़ा था, ये देखिए, तो कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट्स।
तो यहाँ आंसर होगा ये रहा 97 degree 25 minute ईस्ट, ईस्टर्न मोस्ट पूछा है ना, सबसे ईस्ट में कौन है, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विथ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल और सिक्किम, इनका कॉमन फ्रंटियर कौन है, किसके साथ बाउंड्री बनाते हैं, कौन से देश के साथ, चाइना, भूटान, नेपाल या म्यांमार, तो आंसर होगा इसका नेपाल, ठीक है। अब माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, वो बोलता है मेरा फ्रेंड एक कंट्री से बिलोंग करता है जो इंडिया के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है, भूटान, बांग्लादेश, तजाकिस्तान या नेपाल, भूटान बनाता था, नेपाल बनाता था, बांग्लादेश ही बनाते, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान इंडिया के साथ कोई बाउंड्री नहीं बनाता है। सेकंड आंसर, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन अरेबियन सी, तो अरेबियन सी का हमने ट्रिक क्या पढ़ा था, अल्लाह, तो ए से अरेबियन, एल से हमारा लक्षद्वीप। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया, बता देंगे आप, विच आइलैंड ग्रुप लाइज इन साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट में कौन से आइलैंड ग्रुप्स हैं हमारे, यानी दैट इज़ इन किस में, बे ऑफ बंगाल में, कौन से, हमने क्या पढ़ा था, बैन, तो यानी अंडमान एंड निकोबार। विच आइलैंड कंट्रीज आर अवर सदर्न नेबर्स, ऐसी कौन सी आइलैंड कंट्री है जो हमारी सदर्न नेबर है, तो हमारी आइलैंड कंट्री कौन सी है जो साउथ में है और नेबर है, दैट इज श्रीलंका, ठीक है। ओके, तो फिर यही था, उसके बाद आपका इससे ग्राफ पूछ सकते हैं, मैप स्किल्स हैं, देखिए ये सब मैप स्किल्स आप एक बार बनाइए, एक काम करो, मैप ले आओ मार्केट से, या फिर कोई एक मैप पकड़ो और उसकी बहुत सारी फ़ोटो स्टेट्स करवा लो, ठीक है, जिसके घर में प्रिंटर्स हैं वो 10-20 मैप्स लेबर निकाल लिया करो, और क्या करा करो, फटाफट मैप्स की प्रैक्टिस किया करो, जो जो ये मैप स्किल्स है ना आप ही के ऊपर है, देखो मैप स्किल्स मैं तो यहाँ पे करवाऊँगी नहीं, आपका अपना वो है कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं, तो आप इस मैप स्किल्स को भरिए और उस मैप को चैप्टर के साथ स्टेपल करते रहिए, तो एग्ज़ाम टाइम पे आप फटाफट इन्हें क्या कर सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। सो गाइज़, ये था आज का लेक्चर, इसके बाद मैं सेकेंड लेक्चर अपलोड करने वाली हूँ, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।